मध्य प्रदेश में ड्राइवर से औकात पूछने वाले कलेक्टर और किसान को अंडे से निकले चूजे कहने वाली तहसीलदार पर कार्यवाही के बाद भी अधिकारियों पर असर नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ताजा घटना मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की है, जहां अपनी गाड़ी को साइड ना देना एसडीएम साहब को इतना नागवार गुजरा कि सामने वाली कार में सवार युवक को किसी तरह रुकवा कर उन्हें अपने सामने खड़े होकर पिटवाया। दरअसल कोतवाली की सिविल लाइन चौकी पुलिस को फोन पर सूचना मिली, घघरी नाका के पास 3 गाड़ियां खड़ी हैं और उनमें आपस में विवाद हो रहा है। चौकी से मौके पर भेजे पुलिस दल ने देखा कि एसडीएम बांधवगढ़ अमित सिंह, तहसीलदार विनोद कुमार ने वाहन के साथ एक अर्टिगा कार खड़ी थी, जिसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वाहनों के पास ही 2 युवक घायल पड़े थे, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। दोनों युवकों को इस कदर बेरहमी से पीटा गया है कि उनमें से एक शिवम यादव पुलिस को बयान तक नहीं दे पाया है। दूसरे युवक ने पुलिस को बताया है कि वह और शिवम यादव खैरी से चलकर भरौला आ रहे थे। रास्ते में एसडीएम की गाड़ी मिली, शिवम यह गाड़ी रोड से नहीं उतारी तो एसडीएम की गाड़ी पीछे करने लगी। आगे चलने पर उमरिया की ओर से तहसीलदार की गाड़ी आती दिखी और उसकी अर्टिगा कार के सामने आ गई, जिससे उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही एसडीएम और तहसीलदार अपनी गाड़ियों से उतरे और अपने अपने ड्राइवरों से युवकों को बाहर निकलवा कर पिटवाना शुरू कर दिया। एसडीएम और तहसीलदार के सामने ही उनके ड्राइवरों ने दोनों युवकों को डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लेकिन मामला जैसे ही सीएम मोहन के संज्ञान में आया, एसडीएम साहब को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम ने कहा है कि बांधवगढ़ एसडीएम द्वारा 2 युवकों से मारपीट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसडीएम को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार है, प्रदेश में आमजन से इस तरह का अमानवीय व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।